रैशनलिज्म क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाएं, दो वर्ड्स हैं आइसो और मर। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, और मर का मतलब क्या होता है, पार्ट, इसका मतलब होता है। अब ये आइसोमेरिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया था किसने, जे ब्रजीलियस एक साइंटिस्ट थे, कब इंट्रोड्यूस किया था, 1828। अब क्या होते हैं आइसोमेरिज्म, क्या होते हैं आइसोमर्स, क्या होते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब जो उसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जो उसकी अरेंजमेंट है एटम्स की, वो आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो, या आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसको ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आकार आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। मसलन हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर उसकी क्या डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इस तरह के कंपाउंड को जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या कोई प्रॉपर्टी केमिकल फिजिकल या इंटरेक्शन टुवर्ड्स लाइट ये डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चल एक बातें आपने याद रखनी बच्चों, कि जो आइसोमर्स होते हैं उसमें आपके पास सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम्स होते हैं, ठीक है, पहली बात, सेम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें वो भी सेम होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, मगर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और एक्टिविटी भी कभी डिफरेंट हो जाती है, जब नॉर्मल आइसोमर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, और जब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो हम वहां पे बताएंगे कि बेसिकली आपके पास कनेक्टिविटी तो उसमें सेम होती है, मगर जो स्पेस में ओरिएंटेशन होती है एटम या ग्रुप ऑफ एटम की, वो डिफरेंट होती है। ओके, अब आइसोमर्स में कौन कौन सी चीजें सेम होती है, इसकी बात कर रहे हैं। आइसोमर्स हैव सेम, पहली बात, केमिकल फार्मूला, उसका जो केमिकल फार्मूला है आइसोमर्स का, वो आपके पास क्या होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। उनका एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा होगा, सेम होगा। उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो सेम होगा। इसी तरह उनकी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा। और इसी तरह उनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो आपके पास सेम होती है। दो आइसोमर्स हैं, उनमें ये सारी चीजें, उसका केमिकल फार्मूला, उसका एम्पिरिकल फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर मास, उसकी एटॉमिसिटी और उसकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो आपके पास क्या होगी, वो सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं होगी। चल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आए तो बजाय कैलकुलेशन के आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। आपके पास मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, इनका कोई भी आइसोमर्स नहीं होता। मीथेन जिसमें एक कार्बन, इथेन जिसमें दो कार्बन, और प्रोपेन जिसमें तीन कार्बन, इसका कोई आइसोमर्स नहीं होता, ये सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल फॉर दोस कंपाउंड हैविंग मोर देन फोर कार्बन एटम, कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें चार कार्बन एटम है या इससे ज्यादा है, आइसोमेरिज्म उसमें पॉसिबल है। इससे पहले वाले तीन कार्बन में दो में ये एक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ओके, इसी तरह थर्ड पॉइंट आपने ये याद रखना कि नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने आपके पास कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, तो आइसोमेरिज्म उसके हिसाब से क्या होते हैं, बढ़ते, आइसोमर उसके ज्यादा होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहे। इसी से रिलेटेड जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि कितने कार्बन होंगे तो उसके कितने आइसोमर्स होंगे, तो वो ट्रिक्स भी मैं कराऊंगा इस लेक्चर को खत्म करके, इसके जब मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ तो उसमें इंशाल्लाह वो ट्रिक भी मैं इंक्लूड करूंगा, तो वो आपने लाजमी देख लीजिए, वो आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये तो हमारे पास जनरल बात होगी आइसोमेरिज्म की इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के, आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स है। तो बेसिकली मेजरली अगर हम क्लासिफाई करें तो दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं, कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, ठीक है, ये तो बेसिक कंडीशन है आइसोमेरिज्म की, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है एटम्स की, एटम जैसे बॉन्डेड है जिस फैशन में, वो आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट हो जाती है। ये बात याद रखने कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें बच्चों, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी, मगर जो स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट है, ओरिएंटेशन है, वो डिफरेंट हो जाती है। कि आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, इसी तरह स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपके पास कनेक्टिविटी भी सेम, ठीक है, मगर जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स की बात करेंगे, फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आते हैं। तो
स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात करें तो हमारे पास फाइव डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स हैं, बेसिकली सिक्स टाइप के होते हैं, छठा भी मैं आपको बताता हूं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, थर्ड है हमारे पास पोजीशनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ है हमारे पास मेटामेरिज्म, फिफ्थ है हमारे पास प्रोटोमेरिज्म, और सिक्स्थ जो आइसोमर टाइप है वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होते हैं। ये हमारे पास सिक्स टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आते हैं। अब वन बाय वन हर एक को देखते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, चेन नेम इंडिकेट कर रहा है, इसमें बेसिकली जो स्केलेटन है, जो चेन है, वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी, कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, जो मेन पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डिफरेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे आपके पास एन ब्यूटेन है, चार कार्बन है एक लाइन में, ठीक है, पेरेंट चेन में, और इसी तरह इसका जो दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर बनती है, एक को मैं अगर ब्रांच बना लूं CH3 का, ठीक है, तो ये आइसोब्यूटेन या इसको 2-methyl प्रोपेन हम कहेंगे। इन दोनों का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें सेम है, मगर जो मेन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि अल्केन जो है, जो हमारे पास अल्केन होते हैं, ओनली शो चेन आइसोमेरिज्म, अल्केन जो है वो सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म शो किया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अल्कीन है और अल्काइन है, ये चेन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, इसके अलावा पोजीशनल आइसोमेरिज्म भी शो किया करते हैं। कौन, अल्कीन और अल्काइन, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करें, नेम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे आइसोमेरिज्म होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होगा, सेम होगा, मगर उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होंगे। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि आपके पास कोई भी आपके पास क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसका आपके पास जो जनरल फार्मूला है, ठीक है, जनरल फार्मूला वो अगर सेम है तो उस इसमें वो दोनों क्लास ऑफ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे। क्या मतलब, जैसे आपके पास अल्कोहल और ईथर का है, जैसे आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन का है, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का है, सेम जनरल फार्मूला होते हैं, तो ये सारे आपके पास क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ईथर एंड अल्कोहल, कीटोन एंड एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ठीक है, ये सारे उसके याद रखना। तो हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, इथेनॉल है, और इसी तरह अगर ऑक्सीजन दरमियान में आ जाए तो आपके पास क्या बन जाती है, डाइमिथाइल ईथर। दीस टू हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आइसोमेरिज्म है वो आपके पास क्या है, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशनल आइसोमेरिज्म नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें किसी खास एटम जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज होगी, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा मगर जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज होगी। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उसको पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो डिफरेंट होगी। तो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे आपके पास ये है वन प्रोपन होगा, ठीक है, और अगर OH को मैं सेकंड कार्बन पे ले जाऊं तो टू प्रोपन हो जाएंगे। दीस टू हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप OH है वो भी सेम है, मगर उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, एक में वन पे है दूसरे में क्या है टू पे। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास जो आइसोमेरिज्म की टाइप है वो क्या है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होते हैं कि ऐसे आइसोमर्स व्हिच आर डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है अल्काइल ग्रुप की ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो आपके पास क्या होती है, डिफरेंट। तो इस आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। याद रखें या ऐसे फंक्शनल ग्रुप में होगा जो एक से ज्यादा बांड बना सकते हैं उसमें ये काम होगा, जैसे ईथर की हम बात करें, ठीक है, ईथर की बात करें तो ये हमारे पास एक ईथर है, डाइमिथाइल ईथर, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे भी दो कार्बन दूसरी साइड पे भी दो कार्बन, मगर इसी को अगर मैं कर लूं कि एक साइड पे मैं एक मिथाइल ग्रुप कर लूं दूसरी साइड पे क्या कर लूं प्रोपाइल कर लूं, ठीक है, तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों में आपके पास क्या क्या चीजें सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, ठीक है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम, मगर डिफरेंट क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप
अल्काइल ग्रुप एलॉन्ग विद फंक्शन ग्रुप, उसकी दोनों साइडों पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है अल्काइल ग्रुप वो आपके पास डिफरेंट है, तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होते हैं, एक आइसोमर्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू पोजीशन ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन। ठीक है, कि ऐसे आइसोमर्स जिनमें बाकी सारी चीजें सेम है, मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किस वजह से, ड्यू टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें बेसिकली कि जो दो आइसोमर्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल टॉटोमेरिज्म कौन शो करते हैं, जैसे आपके पास क्या है, यहां पे हमारे पास है कि आपके पास कीटो इनोल सिस्टम जो होता है हमारे पास, ठीक है, या आपके पास एसीटोन है तो नेक्स्ट उसमें ये क्या बना देगा, आपके पास इनोल बना देगा। ठीक है, तो ये जो दो आपके पास है ये क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। ये अगर प्रोटॉन इधर शिफ्ट हुए ऊपर तो नेक्स्ट उसमें क्या होगा, दोबारा इधर आ जाएगा और ये आपके पास क्या होगी, उस डायरेक्शन में दोबारा चली जाएगी। ठीक है, तो ये कोएग्जिस्ट करते हैं, तो ड्यू टू पोजीशन ऑफ प्रोटॉन ये एक दूसरे से डिफर होते हैं, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। इसके बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म होते हैं, कि रिंग चेन आइसोमर्स में एक रिंग फॉर्म में होता है, एक आपके पास क्या होता है, ओपन चेन फॉर्म में होते हैं। मसलन आपके पास प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इनमें ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। प्रोपेन और आइसोप्रोपेन नहीं होगा, रिंग चेन आइसोमर्स में इस तरह होगा, देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, तीन कार्बन, हाइड्रोजन कितने, तीन और दो पांच और दो सात हाइड्रोजन। जब
बाकी जो वाइब्रेशन वो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ सिंगल प्लेन में वो क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब उस लाइट को जब हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड से गुजारते हैं, तो हमारे पास बच्चों दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, ये जो लाइट यहाँ से आ रही है कि आइदर इट विल मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थोड़ी सी लाइट इस तरह टेढ़ी हो जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्मल ये एंगल था, ठीक है, और इसी तरह नॉर्मल ये एंगल था, तो थोड़ी सी आपके पास इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले को हम क्या नाम देते हैं, डिक्स्ट्रो, ठीक है, और ये वाली जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीवो। डिक्स्ट्रो को हम एल से शो करते हैं स्मॉल एल, और लीवो को डिक्स्ट्रो को हम स्मॉल डी से शो करते हैं, और लीवो को स्मॉल एल। डिक्स्ट्रो को हम पॉजिटिव से शो करते हैं, और लीवो को माइनस से शो करते हैं। ये मुख्तलिफ इसकी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये पोलराइज लाइट को कंपाउंड क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, जिसको हम प्लस लिखा है, या इसके साथ आप दूसरा क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, ये इसकी सैंपल डिक्स्ट्रो की, ठीक है। इसी प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीवो बोलते हैं, और इसको स्मॉल एल से शो करते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन भी बोलते हैं। तो ये दो आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर टुवर्ड्स बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो डिफरेंट है, इस वजह से इन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। अब ये क्यों होते हैं, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से, स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट होने की वजह से ये काम होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ टर्म्स और मैं स्टीरियो केमिस्ट्री से लेता हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स आपके पास क्या होते हैं, दोज मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स which are non-superimposable mirror image of each other are called enantiomer. ऐसे मॉलिक्यूल जो non-superimposable mirror image हो, उनको हम क्या बोलते हैं, enantiomer. For example, ये मेरा right hand है, अगर मैं इसको mirror वगैरह में देखूंगा तो left hand नजर आएगा, और मेरा right hand और left hand अगर मैं देखूं तो ये एक दूसरे के ऊपर superimposable नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये small finger इस thumb पे आ रही है, और ये thumb इसके small finger पे आ रहा है, तो ये सुपरइम्पोजेबल नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इनांशियोमर्स है, ठीक है। इसी तरह देखें, आपके पास ये एक कंपाउंड इलेक्ट्रिक एसिड है, ठीक है, इसका मिरर इमेज ये है इलेक्ट्रिक एसिड, अगर ये डिक्स्ट्रो है इलेक्ट्रिक एसिड, तो ये मस्ट बी, ये आपके पास क्या होगा, ये लीवो होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है, अगर सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होगा तो वो आपके पास क्या होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा अगर कोई आपके पास क्या है, सुपरइम्पोजेबल। अब एक और टर्म होती है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होती है कि हम कहते हैं कि जब आपके पास कार्बन के साथ फोर डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों तो उसको कायरल सेंटर बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि मस्ट है कि फोर एटम्स डिफरेंट एटम हो, नो, अगर थ्री डिफरेंट एटम है और एक लोन पेयर है तो वो भी आपके पास क्या होगा, कायरल सेंटर की कैटेगरी में आएगा। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि दो एडजेसेंट ट्रिपल बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल, किसी मॉलिक्यूल में दो एडजेसेंट एक साथ जोड़ के ट्रिपल बॉन्ड आप नहीं बना सकते, जनरल एक पॉइंट है, पॉइंट रखना है। और इसी तरह सिमिलरली टू एडजेसेंट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट पॉसिबल, इसको ड्रा करें आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि क्यों एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड अगर एडजेसेंट पोजीशन पे बनाए तो वो पॉसिबल नहीं है, इसी तरह डॉट ट्रिपल बॉन्ड भी एडजेसेंट पोजीशन पे बनाए तो वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर अबाउट आइसोमरिज्म। इसके जो MCQs हैं मैं अभी वो कराऊंगा MCQs आपको, और उसके बाद जब इसके MCQs खत्म हो जाएंगे तो ये चैप्टर हमारा जो कि लास्ट टॉपिक था, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर से, इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs आए हुए पास्ट ईयर में, वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। सो उसको लाजमी देखें, सो देट आपको आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। Thank you so much.